आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ बेस्ट सीड और हम देखने वाले क्या ये क्लिकबेट है या फिर ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी लाइक नहीं किया अब भी कर दो और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कुछ अमेजिंग सीड्स बता रहा है और देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट है और ये बंदा काफी कूल बना रहा है। ओके भाई, ये कैसे विट व्हाट होली आइलैंड यार, ये सच में मतलब देखना क्या स्ट्रक्चर है ये, मेरे को जाके ये टेस्ट करना पड़ेगा अपने वर्ल्ड के अंदर। रुको, फटाफट चलते अपने वर्ल्ड की तरफ क्योंकि देखो ये एक्चुअली अमेजिंग है, ये लेजिट अमेजिंग है। अब मैं जा रहा हूं अपने वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका अपने वर्ल्ड के अंदर और मैंने इसका यहाँ पे सीड डाल दिया है। मैं इसके अंदर जाके तुम इसका सीड दिखाता हूं और हम चलते इस वर्ल्ड के अंदर और ये मेरा वर्ल्ड हो रहा है लोड। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं इस वर्ल्ड के अंदर। अगर तुम लोग वरीड हो रहे हो मैं कहां पे हूं तो भैया देखो मैंने अपने आपको किल कर लिया, मैं आ चुका हूं इसके स्पॉन लोकेशन पे। स्पॉन लोकेशन पे तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा आगे की साइड जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक विलेज देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया जगह पे सेटअप है भाई। पता नहीं यहाँ पे कोरा क्यों हो रहा है, थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे तुम आओगे तो एक नंबर की यहाँ पे विलेज है और स्नो बायो में ठीक है, बट जो मेन लोकेशन हमें देखना है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। ओके, तो मैं हो चुका हूं टीपिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और ये क्या, हेलो ये तो स्कैम हो गया भाई। अबे नीचे तो सिर्फ ये वैसा वाला बायो में क्या है, पत्थर ही पत्थर और मैं बीच में कहां पे हूं भाई, ये तो स्कैम हो गया गाइस, ये फेक था क्या, नीचे पानी है। With what? ये सच में? अबे ये स्ट्रक्चर सच में एग्जिस्ट करता है, तुम देख सकते हो भाई पानी नीचे गिर रहा है, अभी अभी लोड हुआ है ये और ये नीचे जा रहा है और ये एक्चुअल में वो होली लैंड जैसा है भाई, ये क्या ही है, अमेजिंग। ये तो भाई मतलब माइनक्राफ्ट की कुछ गलतियों से बनी हुई क्रिएशंस के अंदर हो एक होगा। और तुम देख सकते हो भाई ये एकदम समुद्र के बीचों बीच है और वहां पे तुम्हें देखने को मिलता है एक शिप रेक, उसकी लूट जो भी होगी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, बट की लोकेशन एक नंबर है तो ये एकदम रियल है। हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। ओके, तो अब ये नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे भाई, ये क्या है व्हाट भाई, ये मेंशन कैसी जगह पे, तुम देख सकते हो कितनी अमेजिंग मेंशन है। रुको, इसका कोऑर्डिनेट्स ये, ओके ये उसका सीड लेकर आ रहा है, बट भाई तू पागल के बच्चे हो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा यार ये। ओके, तो अभी सीड को लिख के देखते हैं भाई, ये इतनी ओपी जगह तुम देख सकते हो भाई, ऊपर एक मेंशन है वहां पे और ये डार्क बायोम है और नीचे प्लेन बायोम है और यहां पे तुम्हें छोटा सा एक ये भी दिख रहा होगा रूइन पोर्टल और पता नहीं क्या क्या। चौके से अपने वर्ल्ड में फटाफट से अभी के अभी टेस्ट करते हैं। ओके भाई, फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद मैंने इतना बड़ा सीड अपने उसमें डाल ही दिया है और इस सीड को डालने के बाद हम डायरेक्ट बनाते क्रिएट वर्ल्ड और वर्ल्ड के अंदर जाके देखते क्या ये रियल है। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका अपने वर्ल्ड के अंदर और मेरा वर्ल्ड काफी थोड़ा सा लैग सा कर रहा है भाई क्योंकि मेरा पीसी इतना स्ट्रांग तो नहीं है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने लायक तो है नहीं। वेट व्हाट, मैं थोड़ा सा अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाता हूं, माइट पॉसिबल वो दिख ना रहा हो भाई। देखो मैं डार्क बायोम के अंदर तो हूं बट मुझे यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर देखने को तो मिल गया भाई। रुको, थोड़ा सा रेंडर चंक और बढ़ाने दो भाई। ओके गाइस, तुम देख सकते हो यहाँ पे सच में एक अजीब सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है भाई, ये कितना ही लाइक अमेजिंग है। तुम देखो यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे ये और ये कितने सारे कॉबलस्टोन्स की लेयर है और ये चलता ही जा रहा है, चलता है। मेरा पीसी लैग कर रहा है भाई, ये इतनी ऊपर एग्जिस्ट करता है। आर यू सीरियस, ये पूरा का पूरा मेंशन बादलों के ऊपर बना हुआ है भाई, ये क्रेजी लोकेशन होगा अपने वर्ल्ड को स्टार्ट करने का क्योंकि ये स्पॉन के जस्ट बगल में है। वो रहा भाई, ये सच में एग्जिस्ट करता है, ये फेक नहीं है। और ये तुम देख सकते हो यहाँ पे एक रूइन पोर्टल, इसके अंदर क्या लूट मिलती है हम देखते हैं। इसके अंदर दो गोल्ड ब्लॉक है, यूजुअली एक ही लग रहा होता है ऊपर, बट यहाँ पे दो और यहाँ का चेस्ट तो गायब ही हो गया। अरे बाबा रे बाबा, तो शायद उसका चेस्ट तो मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है भाई। तुम देख सकते हो भाई ये कैसे, देखो एक स्पेसिफिक लेयर भी नीचे आ रहा है भाई, लाइक किसी ने स्पेसिफिकली बनाया हो, ये कितना ही अमेजिंग जगह पे बना हुआ है। सामने ही ओशियन है और ये पूरा बड़ा सा बायोम और बीच में एक ये मैंशन। गाइस अब तक का मेरा सबसे बेस्ट सीड होगा जो मैंने आज तक देखा होगा। क्या ये अंदर भी भरा हुआ है, लेजिट ये अंदर भी भरा हुआ है। तो भाई ये तो एकदम रियल है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ और ये वन ऑफ द बेस्ट सीड होगा अभी तक का, देखते हैं आगे इससे अमेजिंग मिलता है या नहीं मिलता। Why sinkholes spawn in Minecraft? So that only makes ones like this look even cooler. And it doesn't just look awesome from the outside and contain these really weird flat chunks of stone. But there's also a giant and beautiful lush cave down here. Oh, bye 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 bye. इससे पहले मुझे आगे जाके दिखाए, मेरे को जाके खुद से देख रहा, तुम देखो ये कितना amazing seed है भाई, यहाँ पे deep dark biome भी है, lush cave भी और ऐसे monuments पे चलते अपने world के अंदर देखते क्या ये real है। Okay भाई, बड़ी मेहनत के बाद फिर से मैंने ये seed डाल दिया, लोग description में देते ही नहीं है भाई, मैं world को create करता हूँ देखता हूँ क्या ये real है या नहीं है। भाई फाइनली एक दो करोड़ साल के बाद मेरा पीसी मरते मराते ही यहाँ पे ये स्टार्ट तो हो गया और तुम देख सकते हो मेरा पूरा पीसी लैग कर रहा है भाई। तुम लोग लाइक ही नहीं करते ना, सब्सक्राइब करते, मैं नया पीसी कैसे खरीदूं, अभी की अभी लाइक करो जिसने नहीं किया। और ये पीछे देखो भाई, ये सच में है भाई, ये भी एकदम रियल है। अब तक मुझे जो मिले सारे के सारे रियल है और ये लेजिट स्पॉन के जस्ट बगल में है और वहां पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा एक वॉच टावर, प्लेजर टावर और ये भाई सब क्लाउड हाइट से
ऊपर भी जाता है, यहाँ पे वुड वाला बायोम भी है और नीचे तुम्हें पोलर बियर देखने को मिलते हैं। और ये अमेजिंग सा लश केव इसको एक डिफरेंट लुक दे रहा भाई प्रॉपरली। और इन सबसे हट के भाई ये क्या ही है, एकदम बीच में ओशियन है, बीच में थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे अपनी अलग जिंदगी कहानी चल रही है। लेकिन तुम देखते जाओ भाई, इसके नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है भाई। ये नीचे एक प्रॉपरली अलग दुनिया सेटअप है। ऊपर जो तुम देख रहे थे ये तो वॉल्स थी भाई साहब, बेकार वॉल्स, और नीचे एक हरी भरी दुनिया सेटअप है माइनक्राफ्ट की। और अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा डीप डार्क का फन भी देखने को मिलेगा, और ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग और बड़ा है भाई। भाई तुम्हारा क्या कहना है मुझे अभी कॉमेंट्स करके बताओ। ये गाइस मेरे अकॉर्डिंग अभी का ये भी भाई बेस्ट सीडो में से ब्यूटीफुल एक्चुअली। इसको देखते रह सकते हो, यहाँ पे तुम घर बना सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे एक अमेजिंग बेस हो सकता है, और तुम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस सीड को भी मैं रियल बोलूंगा क्योंकि तुम देख ही सकते हो ये कितना रियल है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले सीड की तरफ। ये तो नॉर्मल सा है काफी। ओके वेट व्हाट, ये कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं हो गया। तुम नीचे लश्क पे देख सकते हो, ऊपर एक डेजर्ट वाला बायोम भी, और पीछे वो ये बैडलैंड वाला बायोम है, और अभी तुमने जंगल बायोम देखा। और अगर यहाँ पे कुछ और भी है तो अभी हम जाकर डिस्कवर कर लेते हैं ना, देखते हैं भाई ये कितना अमेजिंग होने वाला है। फटाफट चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। ओके भाई यार फाइनली एक और मेहनत के बाद मैंने इस सीट को डाल ही लिया। भाई मेरा दिमाग खराब होता है जब इतना सीट लिखना पड़ता है। चलते हैं वर्ल्ड की तरफ। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ, नॉर्मल जंगल बायोम है। और अगर मैं अपना F5 वाला मोड हटाऊं तो मैं देख सकता हूँ सामने एक जंगल बायोम की क्लिफ में तो हूं मैं, जैसा कि तुमने देखा था। और इसके पीछे जो उसने बोला था वो एग्जैक्टली आएगा, सामने एक बढ़िया सा ओशियन है और ये पूरा जंगल बायोम है। और जंगल बायोम के साथ पे बहुत सारा कॉब्लस्टोन का वॉल्स है, और पीछे तुम्हारा बैडलैंड बायोम है, और यहाँ पे तुम्हारा लश केव है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर, एक शिपरेक भी ऊपर आ चुका है, और बीच में एक ओशियन भी है। भाई साहब क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें जो चाहिए उससे ज्यादा ही मिल रहा है। एक लश केव, वो भी इतनी बड़ी केव तुम देख रहे हो, नीचे से पूरी खुली है भाई, और ये हवा में स्ट्रक्चर्स, और उसके अलावा ये इतना बड़ा विलेज है। इसमें कितने घर है, 1 2 3 4 5, देखो मैं अप्रोक्सीमेटली 20 स्ट्रक्चर मान लेते हैं भाई। 20 स्ट्रक्चर है एक विलेज के अंदर, समझते हो कितने ज्यादा होते। देखो जैसे ये एक छूट गए, कितनी बढ़िया जगह पे है, और तुम यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सा लश केव भी है, और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये नेचुरली जनरेटेड है। और यहाँ से तुम्हें कितना प्यारा व्यू मिलेगा तुम देख ही सकते हो भाई। और इतना ही नहीं, मेरे को अभी जस्ट नजर आई, और पीछे तुम्हें जो तुम्हारा बैडलैंड का तुम्हें बायोम दिख रहा है, और ये कितना ऊपर तक जाता है लेजिट। तुम देखो इसकी हाइट, देखो भाई ये कितना ऊपर है, और इसके नीचे लश केव है। भाई मत बोलना इसके नीचे मुझे कोई एंशियंट सिटी जैसी चीज भी मिलेगी। पीछे यहाँ पे छुपा हुआ एक ग्रीन पोर्टल, अब मेरे को नीचे देखना है, रुको मैं स्पेक्टेटर मोड में जाता हूँ। और ये क्या, मैं स्पेक्टेटर मोड के अंदर, और नीचे तुम देख सकते हो नीचे एक माइन शाफ्ट भी हैगी, एक माइन शाफ्ट, और नीचे एक डीप डार्क बायोम है। क्या ये डीप डार्क बायोम है? देखो मैं तुम्हें बोला था ना यहाँ पे एक डीप डार्क बायोम भी है नीचे, और क्या क्या छिपा रखा है भाई माइनक्राफ्ट ने हमारे लिए। भाई ये है ना कुछ मोर देन इनसेन हो गया, तुम देख सकते हो ये इतना ज्यादा बड़ा, और यहाँ पे इतनी सारी चीजें, लश केव, डीप डार्क, ऊपर विलेज, और एकदम ओशियन, डार्क बायोम, पता नहीं क्या क्या, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा क्या क्या बोलूं तुम्हें, क्या क्या पता हूं। इससे बेटर है तुम खुद ही इस ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर कर लेना। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है तुम लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे तुम लोगों से अगली वीडियो में। अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो देखनी है तो वो इसके बाद ही जस्ट शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे स्केरी सीड जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, और ये स्केरी सीड सच में एग्जिस्ट करते हैं नहीं ये आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी लाइक नहीं किया अब भी कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहले सीड होने वाला है एक स्केरी विलेज का, जिसके अंदर सारे के सारे फ्लावर्स सेम टाइप के फ्लावर्स है, और ये बहुत ज्यादा वियर्ड बात है। वहां पे तुम जाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये है इसका सीड, जो कि मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अलावा जैसे तुम स्पॉन होते हो तुम एक मैंशन पे स्पॉन होने वाला, यही इसका स्पॉन है। और तुम नीचे देख सकते हो कितने ज्यादा कॉबलस्टोन की लेयर से अपने आप को ऊपर उठा के बनी हुई है। और सिर्फ इतना ही, स्पॉन की साइड में तुम्हें मिल जाता है ये बायोम, और इतना बड़ा ओशन तुम देख सकते हो, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ ओशन ही ओशन। और अगर तुम वहां पे ध्यान से देखो तो वो जगह कुछ अलग ही स्केरी लगती है। बट उधर जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक विलेज, ये विलेज इस सीड को सबसे ज्यादा रेयर बनाती है। लेकिन तुम देखो तो यार ये कितना अमेजिंग सीड है, लाइक यहाँ पे तुम्हारा स्पॉन पे तुम्हारा वुडलैंड मैंशन, इधर तुम्हारा डार्क बायोम, और नीचे दुनिया भर की केव, और ये स्केरी विलेज। तुम जैसा कि देख सकते हो इस विलेज के अंदर सारे सेम टाइप के फ्लावर्स है इस विलेज के अंदर। ऐसा क्यों है, किस रीजन से है, कोई भी नहीं जानता है भाई। ये अपने आप ही फ्लावर्स टूटे हुए, आई डोंट नो कैसे तुम्हारे सामने, मैं जस्ट अभी सर्वर बना के आया और यहाँ पे टूटे मिले हैं। कौन तोड़ के ये कौन नहीं मुझे नहीं पता। और इसकी चेस्ट के अंदर तुम्हें 2 ऑब्सीडियन और कुछ बेसिक लूट्स मिल जाएगा, और विलेज की लूट तो इतनी है। इस सीड को सिर्फ इतना ही, तुम यहाँ पे देखो तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया सीडों में से एक है। लेकिन यहाँ पे जो कि सेम टाइप के फ्लावर्स एक विलेज के ऊपर, ये कभी समझ नहीं आई कि ये क्यों
क्यों है। और तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे बायोम्स का मिक्सचर तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा आइस बायोम है, तुम्हारा यहाँ पे चेरी बायोम है, वहां पे तुम्हारी एक और विलेज है, और यहाँ पे तुम्हारा वो स्केरी सा जो फेस सा बना हुआ है क्या है, और यहाँ पे तुम्हारी स्नो अलग से भी पड़ी हुई है। ओके, तो इस सीट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक चीज पता लग गया। अगर तुम मेरे पीछे वो विलेज देख सकते हो, वहां पे वो विलेज है जो हमने फ्लावर्स वाली देखी है। अगर तुम उसको कंटिन्यू करते हुए सेकंड विलेज पे आओगे तो ये विलेज तो एक कर्स्ड विलेज है भाई। तुम देख सकते हो ये एक अबैंडन विलेज है, वो भी सेम फ्लावर वाली जगह पे। ये कोई पैटर्न है या फिर क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहां पे भी ये ज्यादा फ्लावर्स से आते हैं वो भी सेम टाइप के, वो विलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहता ही है। मशरूम बायोम्स तो ऑलरेडी काफी रेयर रह चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो मशरूम बायोम बहुत ज्यादा वियर्ड भी दिखते हैं। तो अगले सीट के अंदर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा मशरूम बायोम जो कि बहुत ही ज्यादा स्केरी है या फिर बहुत ही ज्यादा अजीब है। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ एक मशरूम बायोम के अंदर, और ये बायोम एकदम नॉर्मल मशरूम बायोम जैसा है। अगर तुम्हें इसको टेस्ट करना है तो उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे सीड दे देता हूँ। ये रहा इस सर्वर का सीड। अगर तुम सर्वर पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद एक मशरूम बायोम को लोकेट करके टीपी होगे तो तुम ध्यान से देखो ये मशरूम बायोम नॉर्मल वाले से काफी अलग है। एक तो मशरूम बायोम की वजह से ये पानी काला सा हो जाता है। इसका रीजन क्या है कोई भी नहीं जानता। क्या ये इन्फेक्टेड है, क्या ये खराब है, लेकिन ये बहुत स्केरी चीज है। और उसके अलावा ये मशरूम बायोम पानी के कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये बहुत वियर्ड है। और ये तुम देखना एक मशरूम बायोम के बीच में एकदम ये लाल, मतलब ये ग्रीन सा, लाल तो है नहीं भाई, ये ग्रीन सा होने का क्या मतलब है किसी को भी नहीं पता है, लेकिन यही चीज इसको बहुत अजीब बनाती है। और तुम देख सकते हो ये सिर्फ एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है किसी को भी नहीं पता है भाई। और इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से क्यों है तुम ध्यान से देख सकते हो भाई। ये जो बीच में काला पानी है भाई, तुम देखो ये लेजिट ब्लैक वाटर बोल सकते हो तुम इसे। इट इज लेजिट ब्लैक वाटर। ये क्यों है, कैसे है, क्या डिफरेंस है, किसी को भी नहीं पता। ये एलियंस का माना जाता है या क्या माना जाता है मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब चलते हैं अपने अगले वाले सीट की तरफ। अगले सीट की तरफ बढ़ने से पहले YouTube ने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम में से काफी सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस अभी के अभी कर लो अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले वाले सीट की स्पेशलिटी ये है कि अगर हमें एक स्पॉनर मिलता है तो हम कितना खुश होते हैं, बट अगर तुम्हें एक से ज्यादा स्पॉनर मिले तो चलो देखते अगले वाले सीट में ऐसा क्या यूनिक होने वाला स्पॉनर से। तो वर्ल्ड को डिस्कवर करने से पहले मैं तुम लोगों को इसका सीट दे देता हूँ। तो इसकी सीट के लिए मैं सिंपली तुम्हें इसका सीट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सीट, तुम यहाँ पे आ सकते हो और तुम देखोगे तो मैं एक नॉर्मल से ये तियागा वाले बायोम में आ गया, इसके अंदर स्पॉन हुआ और ये एकदम यहाँ पे नॉर्मल है। और वहां पे कुछ विलेज तुम्हें दिख रही है और इसका जो मेन चीज है ना स्पॉनर वाला वो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे, उसके लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे टीपी होना पड़ेगा जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अगर तुम यहाँ पे टीपी हो जाते हो तुम देख सकते हो मैं एक जगह पे बंसा हो गया हूँ, बट अगर मैं अपना गेम मोड चेंज कर दूं उसको स्पेक्टेटर करूं तो मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ भाई। मेरे को पता भी नहीं है गेम मोड स्पेक्टेटर कैसे करते हैं। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैंने अपना गेम मोड स्पेक्टेटर तो कर लिया है, बट तुम्हें यहाँ पे एक स्पॉनर दिख रहा होगा जो कि लश केव के अंदर है। तो एक स्पॉनर को देख के तुम लोग कहोगे कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, एक स्पॉनर तो किसी को भी मिल जाता है, बट अगर मैं तुम्हें कहूं नीचे यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच स्पॉनर्स एक साथ हैं। तुम देख सकते हो एक ये रहा और मैं इसमें यहाँ पे अंदर गेम मोड चेंज नहीं कर सकता तो मैं अच्छे से दिखाता। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन और एक तुम्हें मैंने ऊपर दिखाया, चार, चार स्पॉनर्स एक ही जगह पे। और यहाँ पे अगर तुम इस साइड आओगे तो पांच छह सात आठ, आठ स्पॉनर एक जगह पे एट अ टाइम और एक अलग से, और है नौ, नाइन स्पॉनर्स। और अगर मैं कोई मिस कर दूं तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना। भाई इस एक सीट के अंदर नौ से ज्यादा स्पॉनर्स हैं और तुम जानते हो ये स्पॉनर का रेट कितना ज्यादा रेयर होता है, ये बात कुछ अजीब नहीं है। माइनक्राफ्ट के अंदर एक स्पॉनर मिलना ही ऑलरेडी बहुत बड़ी बात होती है, नौ नौ स्पॉनर्स। तो अपने अगले वाले सीट के लिए मुझे जाना पड़ेगा जावा वाले वर्जन में और ये सारी सीट से तुम्हारे बेडरॉक वाले वर्जन में। तो अब हम चलते हैं फटाफट से जावा वाले वर्जन में देखने के लिए कि अगले सीट में क्या होने वाला है। ओके, तो अपने अगले वाले वर्ल्ड के लिए मैं लेके आया एक स्पेसिफिक सीट। इस सीट के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, तुम देख सकते हो ये रहा इसका सीट। मैं यहाँ पे सीट डाल चुका हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ गेम मोड को क्रिएटिव एंड फिर मैं वर्ल्ड को कर रहा हूँ यहाँ पे जनरेट। ओके, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं हो चुका हूँ एक स्पॉन तियागा बायो में, कौन सा मैं तो भूल भी गया। ये जो भी बायो में तुम छोड़ो, लेकिन इस बायो के अंदर अगर तुम यहाँ पे आते हो तो देखते हो साइड में तुम्हारे एकदम नॉर्मल स्पॉन जैसा होता है, एकदम वही है कि एक तो आइस वाले बायो में और यहाँ पे आइस वाला बायो में और यहाँ पे एक शिपरेक है, लेकिन ये शिपरेक पानी के अंदर होती है, लेकिन ये पानी के ऊपर है और आधी पानी के नीचे। इसके अंदर लूट के हम एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मोस्ट ब्लॉक भी मिलता है मुझे इसके बारे में पता नहीं, और लेदर कैप मिलती है और एक और चेस्ट होनी चाहिए, उसको ढूंढने में मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। तो हम चलते हैं इस सीट के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पे जहां पे हमें देखना है कि क्या होने वाला। तो ये रहे इसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स। मैं हो जाता हूं यहां पे टीपी और मैं कहीं तो आ चुका हूं। गाइस तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूं एक जंगल पिरामिड के ऊपर। भाई एग्जैक्टली जंगल पिरामिड के ऊपर ही आया हूँ। और ये क्या है भाई, ऐसी क्या
वर्ल्ड जनरेशन है जो भी है, चलो देखते हैं इस जंगल पिरामिड के अंदर ऐसा क्या रेयर है। ओके वेट व्हाट गाइस, ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड चीज नहीं हुई? पूरा का पूरा जंगल पिरामिड हवा में फ्लोट कर रहा है, पूरा का पूरा जंगल पिरामिड हवा में फ्लोट कर रहा है भाई, लेजिट। यहाँ पे ये डर्ट ब्लॉक के अलावा किसी चीज से अटैच भी नहीं है और ये पूरा का पूरा जंगल का पिरामिड हवा में फ्लोट कर रहा है भाई। भाई ये कुछ सच में ज्यादा स्केरी और अजीब सी चीज है, ये जनरेशन में तुम देख सकते हो क्या ही। हवा में पेड़ है भाई ये, लेजिट देखो हवा में पेड़ है, हवा में पेड़ है, बादलों तक जा रहा है, तुम देख सकते हो बादल, बादलों से अभी ऊपर बैम्बूज उग रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर जाए तो हम इसका लूट देखते, क्या पता इसका लूट भी सेम हो या अलग हो, वो कैसी होती है अभी जाके अंदर देखता हूँ। तो यहाँ से हम इसके अंदर जाते हैं और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रिवर्स मिलते हैं, वो इस साइड ही है। पहले मैं तुम्हें एक टॉर्च हाथ में ले लूं भाई ताकि कुछ ना कुछ दिखता रहे। ओके तो मैंने टॉर्च हाथ में ले लिया। अगर हम यहाँ पे जाते तो बहुत सारा ये लग रहे होते हैं ट्रिप्स और हमें एरो मारता है। और यहाँ पे जाने के बाद हम इस चेस्ट में देखते हैं तो भैया तुम्हें स्मिथिंग टेम्पलेट और कुछ आयरन मिल जाता है जो कि एक ठीक ठाक लूट है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं इसकी एक और चेस्ट होती है जो समटाइम्स यहाँ छिपी होती है और यहाँ पे अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाते 3 गोल्ड इंगट और कुछ स्मिथिंग टेम्पलेट। तो ये आई गेस ठीक ठाक लूट है, नॉट सो गुड बट यार ठीक है ये। और ये कनेक्शन क्यों होता है क्या होता है मैं आज तक नहीं समझाऊं, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 2 चेस्ट ही होती है पूरे के पूरे जंगल पिरामिड के अंदर। और अब हम चलते हैं अपने अगले वाले की तरफ। भाई अगले क्या, ये देखो यार नीचे सीधा बंदा कुएं, एक ब्लॉक थोड़ा तो नीचे गिर जाऊंगा भाई। यहीं पे मॉस बायोम है, जंगल बायोम है और इसको ऊपर जाके देखता हूं भाई ये ऊपर है क्या, ये कैसा मतलब हो क्या रखा है ये वर्ल्ड जनरेशन को, कहां पे कौन से पेड़ आ रहे हैं। देखो यहां पे प्लेन्स बायोम है, यहां पे जंगल बायोम है और नीचे कुछ और ही है। और ये आसमान में देखना कहां तक जा रहा है भाई, लेजिट इतना ज्यादा वर्ल्ड के ऊपर आ गया हूं मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो देख रही है तो इसको देखते रहो, आगे कंटिन्यू हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ इससे अगली वीडियो में, बाय।